चाहूं बस इतनी सी खुशी। मैं सच्ची में तुम्हारी वाइफ हो गई। तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुश। मेरा डांस करने का मन कर रहा है, क्योंकि तुम मेरे अमन, सिर्फ मेरे, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक। बेटा, आज एक नई सुबह हुई है तुम्हारी जिंदगी की, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाओगी। दीदा, मुझे कल बहुत बड़ी गड़बड़ होगी ना? अरे कल जो हो गया सो हो गया। नेहा, एक बात का ख्याल रखना, उस घर में जितने भी लोग हैं ना, वो तुमसे बड़े हैं। जी। और तुम्हें जो कुछ भी वो सिखाए, बड़े ध्यान से सीखना। अच्छा दीदा, मैं सब समझ गई। आप प्लीज मुझे फटाफट ना अपनी वो रेसिपी बता दो, मूंग दाल के हलवे की, आप बहुत टेस्टी बनाते हो। हाँ हाँ देख। हाँ एक मिनट। हाँ, अब कौन सा? थैंक यू दीदा, लव यू दीदा, मिस यू दीदा, बाय। इलायची शक्कर तो मुझे बाहर से लाने पड़ेंगे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं, यमन के पैसे, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ये मेरे नहीं, हमारे पैसे। तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। मुझे ना सामान लाना। सामान? कौन सा सामान लाना? इलायची, शक्कर। लेकिन ये सब तो घर में है। हाँ, सबके लिए चाय बनाओ। अभी दूध नहीं आया होगा।
और दादी जी ताजे दूध की चाय पीती है। तो मैं दूध ले आऊं बाहर से? तुम क्यों जाओगी, माँ जाती है ना। हाँ तो लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे जाके दूध लाना चाहिए। देखो तुम नहीं दुल्हन, तुम्हारी अभी मुंह दिखाई भी नहीं हुई, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं घूंघट डाल के चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर जाना इतना जरूरी है तो मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं तुम क्यों जाओगी, दिस इज वेरी बैड। जब मैं कुछ करना चाहती थी तो मुझे कुछ करने नहीं देते, ऐसे मैं सीखूंगी कैसे? और वैसे भी शॉप भारी तो है, मैं फटाक से ले आऊंगी। तुम देर बैठ, तुम नहा लो, मैं फटाफट दूध लेके आऊंगी। अरे नेहा, अंकल मुझे दूध लेना है। चल चल। अरे अंकल मुझे दूध लेना है। मैंने बोला ना, चल साइड में खड़ा हो जा। अरे अंकल प्लीज मुझे दूध लेना है। अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है, चल ना। अरे अंकल मुझे दूध लेना है। चल ना। जी क्या कर रहे हैं आप, धक्का नहीं दे रहे ऐसे? ये लड़का इतने देर से खड़ा हुआ है लाइन में, आपसे दूध मांग रहा है, आप सुन ही नहीं रहे? जस्ट बिकॉज आपके पास दो पैर है तो आप उसका इस्तेमाल धक्का मारने के लिए करेंगे? ये ले पैसे, आ जाते हैं सुबह सुबह मांगने। खारी नहीं है ये, पैसे है इसके पास, दूध लेने आया ये, अपने पैसे अपने पास रखिए। अब मुझे क्या पता कि ये क्या है, मुझे लगा कि कोई अपाहिज है इसीलिए तो मैंने। अपाहिज है तो क्या मतलब, इतनी देर से लड़का लाइन में लगा हुआ है, आपसे दूध मांग रहा है, आपको सुनाई नहीं देता। कान आपके पास है आपको सुनाई नहीं देता, आंखें आपके पास है आपको दिखाई नहीं देता, तो अपाहिज कौन हुआ अंकल? आपके सीने में दिल है लेकिन आपको दूसरों के लिए तो फील ही नहीं होता, तो अपाहिज कौन हुआ? सॉरी मैडम मुझे नहीं पता। बेटा क्या चाहिए तुमको? अंकल मुझे दूध चाहिए 1 लीटर। इसे वही चाहिए जो सबको चाहिए, रिस्पेक्ट, दया मत दिखाइए इस पे। ये लो। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। और याद रखना अगली बार कोई ऐसे बिहेव करे ना तो उसके पास सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं है, और ऐसे लोग ना सबसे ज्यादा बेचारे होते हैं। ओके थैंक यू दीदी। सॉरी मैडम गलती हो गई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 1 लीटर दूध दीजिए। ये सुबह सुबह रसोई में कौन है? उठ गई नेहा? गुड मॉर्निंग। बस बस बेटा, इतनी सुबह सुबह उठने में तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी, वैसे हमें ये उम्मीद थी नहीं। क्या बना रही हो मीठे में? मूंग दाल का हलवा, दादी जी का फेवरेट। मूंग दाल का हलवा? इतनी मुश्किल चीज बनाने की जरूरत नहीं है नेहा, कोई साधारण सी चीज बना लो। नहीं मैं बना लूंगी, मुझे आता है, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। कढ़ाई कहाँ है? पार्की। जी दे रहा हूँ बेटा। अखबार में कोई चुटकुला पढ़ लिया क्या, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? हैं? नहीं दादी जी ऐसे ही। बारे बा, बोगरिया कहीं दिखाई नहीं देते, नींद से जागी नहीं है क्या? वैसे भी बच्चों को नींद बहुत आवत है। मौसी नेहा सुबह से किचन में, वो मीठा खिलाने की रस्म है इसलिए। मीठा खीर वीर बना रही होगी? मूंग दाल का हलवा बना रही है मौसी। दया रे दया। क्या हुआ मौसी? कछु नहीं दादी जी, वो नेहा को याद था कि आपको मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए खास आपके लिए बना रही है। चलो अच्छा है, तेरा है दुरुस्त आए, मन लगा के बनाएगी तो अच्छा ही बनाएगी, देखना आज उसे ऐसा नेक देंगे कि खुश हो जाएगी। चाचा थी, बहुरानी को कोई मदद चाहिए हो तो देखना जा। और बन जाए तो बता देना नेहा। हाँ। सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, और बनाते बनाते चखना मत, क्योंकि भगवान को झूठा भोग नहीं लगाते। जल्दी कर। वारे वाह, आज तो नेहा सबका दिल जीत ही लई है। हाँ। बन गया हलवा?
नहीं बस तैयारी हो रही है। कछु मदद चाहिए? नहीं नहीं मैं कर लूँ। थैंक यू। सेठानी ने हमका भेजा है तुम्हार मदद के लिए। नहीं नहीं मैं कर लूँगी। चलो फिर। अरे एक बात ध्यान रखना। हाँ। पीसी हुई चीनी डालना। हाँ। मोटी शक्कर है ना। हाँ। वो जल्दी से घुलत नहीं है। हाँ। मुझे चीनी कहाँ रखी है? वो अच्छा कौन सा वाला? वो वाला। ये तो पीसी हुई चीनी रखी हुई है, एकदम नमक जैसी लग रही है। ना बाबा ना, शक्कर है, नमक तो हम वो बदनी में रखते हैं। मैं बस चेक कर लेती हूँ, है ना? चीनी है, है ना? अरे थोड़ा सा पानी और डाल दो। नहीं नहीं और नहीं, बस बहुत है। अरे डाल देते हैं। हम चलते हैं। हाँ। कछु मदद चाहिए तो हमका बुलाई लेना। जी थैंक यू मौसी। समझ में नहीं आ रहा अब क्या लिखा हुआ। मैं हलवा कैसे बना? मैं अमन को बोलूं, अमन क्या हेल्प करेगा मेरी? क्या बोला था दीदा ने? घी में 200 ग्राम घी में मोटा पिसा हुआ आ रही है। बोरिया जिद्दी के साथ भोग चढ़ावत है, पता है ऐसे में समय लग जाता है। अमन तुम्हारी मम्मी खूब खुश हो रही होंगी, भगवान का धन्यवाद कर रही होंगी कि बहू ने चौका संभाल लिया। हाँ। जी माँ जी, नेहा ने आज अपनी रसोई संभाल ली। इस रस्म के पीछे सोच ये होती है कि बहू घर में आए तो सबके जीवन में मिठास भर जाए, मीठी बातें हो, मीठा व्यवहार हो, इसीलिए शुरुआत मीठे से की जाती है। नेहा सबको परोसो। हमें नहीं, पहले गायत्री को, वो तुम्हारी सास है, और फिर अपने पति को, उसके बाद हमें। हाँ लीजिए। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गायत्री चख के बताओ, बढ़िया नंबरों में पास हुई ना बहू? जी माँ जी। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? अमन देखो तो हलवे में ऐसा क्या है? रुक जाओ अमन, नमक है इसमें। नमक नहीं, मैं नमक नहीं, मैंने तो पिसी हुई चीनी डाली है। आरिशो ने? हाँ मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। बहस क्यों कर रही हो नेहा? नमक है इसीलिए तो कह रहे हैं कि नमक डाला। चखो तुम, चखो। बहुत नमक है, पता नहीं कैसे आ गया। कैसे आ गया मतलब? नेहा डाला होगा तभी तो हुआ है ना, हमने कहा था कि हम तुम्हारी मदद कर देते हैं।
लेकिन ना तुम्हें खुद ही सब कुछ अकेले करना था, जैसे सब कुछ जानती। नेहा खाना बनाना इतना आसान काम नहीं है कि चम्मच घुमाया सब कुछ हो गया। किसी से पूछ लेने में कोई बुराई नहीं, हम जानते थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। सॉरी माँ, मैंने नमक नहीं डाला था, मैंने चीनी डाली थी। बारे बार, हम खुद सब कुछ बता के आए रहे हैं, उसके बाद कहाँ डाला कहाँ पता। दिमाग एक जगह पर कहाँ टिकत है का? बच्चों को ये तो होत है। नेहा तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुमने तो रेसिपी को देख के बनाया था ना? हाँ, मैंने सब नाप के डाला है, मैंने मुझे नहीं पता कैसे नमक डाल लिया। नो, रिश्तों की शुरुआत ही नमकीन हो गई। ये तो अब सुकून है। रस में मजाक नहीं होती है नेहा, समझाया था ना तुम्हें, तो ध्यान रखा करो। बस करो गायत्री, रहने दो, गुस्सा थूक दो। हमें तो नेहा से इतनी भी उम्मीद नहीं थी, अब जो बना के ले आई ठीक है। अरे भाई, नई रसोई नए बर्तन, बेचारी को क्या पता कहाँ क्या रखा है, जो सामने मिला डाल दिया। लेकिन दादी जी, मैंने नमक नहीं डाला। अब और बहस मत करो बेटा, गलती तुम्हारी है भी और नहीं भी है, अब बात को खत्म करो। चलो ले लो नहीं, इतना तो बनता ही है, बड़ी बहू हो। आई बहू के पैर घर में जमने में हम ही मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा गायत्री है? चल ले लो बेटा, ये लो नेहा। रोते नहीं, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब तू देख, ऐसे ही तुझे अपने दिल के पास रखकर वैसे तुझे सबसे दूर करते हैं। अरे वाह, बड़े दिल वाली हो सेठानी। जाओ बेटा, अब कमरे में जाके आराम करो। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जाओ बेटा, आप आराम करो। अमन, इसे ले जाओ। जयंती, तू अपनी नेक हमारे कमरे में आके ले जा। असली मेहनत तो तूने की है आज। सेठानी आ जयंती। ये देख, तुझे हमारा ये हार बहुत पसंद था ना, ले ये तू ही रख ले। अरे पास इतनी, ये हार तो बहुत महंगा है। और ये ले, ये साड़ियां असली जरी की हैं, ले इन्हें भी रख ले, पहनना। और ये ले अपना नेक। हाय सेठानी, इतना सब कुछ एक दिन में काहे? पता नहीं जयंती, आज हमारा दिल बहुत खुश है। ये शादी जब हुई थी तब सबके सामने हमारी हार हुई थी, लेकिन आज से हम अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर रहे हैं। सिर्फ 10 दिन, बस 10 दिनों में ये लड़की हमारे घर के बाहर होगी। ये पागल अपने आप हमारा घर छोड़ के भाग जाएगी, सब कुछ भूल भाल के ऐसे भागेगी कि जिंदगी भर पलट के नहीं आएगी। बस तू वो करती जाना जयंती जो हम तुझे कहते जाएं। बस
10 दिन में? हाँ, आज से नेहा के इस घर में उल्टी गिनती शुरू।